हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जियो सिम में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट को एक बार बंद कर देना। इंटरनेट बंद करने के बाद मोबाइल को फ़्लाइट मोड में करना है, फ़्लाइट मोड चालू करना है। फिर आपको 5 सेकेंड बाद फ़्लाइट मोड को बंद कर देना है। फिर आपको वेट करना है, जैसे ही आपका फुल नेटवर्क आ जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। फिर आप एक बार देखिए, यहाँ पर बंद किया हमने, चालू कर देते हैं। फिर एक बार आप इंटरनेट को चलाकर चेक करना, इंटरनेट आपका चलने लगेगा। यहाँ से भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। अगर इस तरीके सही नहीं होता है तो आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। कुछ मोबाइल में सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का भी ऑप्शन मिलता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जिस सिम में आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, जिस सिम में रिचार्ज है, उस सिम पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमारे सिम वन पे है तो हम सिम वन पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद ऊपर सिम वन और सिम टू मिल जाएगा। जिस सिम में रिचार्ज है उस सिम पर क्लिक करना है, मतलब कि जिससे इंटरनेट आप चलाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर रीसेट एक्सेस पॉइंट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको रीसेट यहाँ से कर देना है। रीसेट करने के बाद बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कैरियर नाम का, आपके फ़ोन में भी होगा, इस पर क्लिक करना है। और अगर ये यहाँ से ऑटो सेलेक्ट नहीं रहेगा, अगर ये बंद रहेगा, तो इसे आपको चालू कर देना है। फिर सिंपली आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, या फिर आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इतना कर लेते हैं, फिर आप इंटरनेट चलाकर चेक करना। चलिए हम ओपन करते हैं अपने यूट्यूब को। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट हमारा चल रहा है। इस तरीके से आप भी सही कर सकते हैं। तो आज के दिन बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।